गवर्नमेंट का क्या विचार है, आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले भारतवासियों को भी और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रेस मीडिया ये तीसरा पायदान है और पूरा जनता को, पूरा मानव को इसी पर निगाह टिकी हुई है। अगर मीडिया ही हमारे देश को, सरकार को तीसरा पायदान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये हमारे आवाज़ जो है जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद और हमारी यूनियन की मदद सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में जनता इसको जाने, यूनियन को पहचाने और नाम भी अजब गजब न सोच के एक मानो मानो से एक प्यार करना सीखे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोला था, स्वयं प्रकाशित बनो, दीप भव। तो उस तरह मानो मानो में ये हमारे जो सरकार है, जो भी बोलिए, उस सरकार ने हमारे लोगों को, मानव को जाति धर्म में बांट दिया है और उसी पर वर्षों से राज करते आ रही है। तो मैं उसके लिए, मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ, माता बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, उस पूर्वजों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, उस मानव से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश में ये बांटने का काम सरकार कर रही है। तो पहले हम जनता को मानो मानो में बदलेंगे, मानो मानो को प्यार बताएंगे, तब हमारे ये जो मुल्क है, हमारे जो बिहार है, बिहार एक नया बिहार बन सकता है। तो मैं छोटे से शब्द में कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑल इंडिया रेलवे सुशासन वर्कर्स यूनियन 2013 में स्थापना किया और करने के बाद में इसी बैनर तले हमको लोगों ने कमेटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जब बनने के बाद मैंने पूरा महाराष्ट्र, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मैं सभी महानगरों में अपने यूनियन के माध्यम से सदस्यता ग्रहण करवाया और सदस्य बनाया और उनको प्लेटफार्म पर बैठने के लिए मैंने एक स्थान दिलवाया यूनियन ने लड़के, और उनके लिए यूनिफॉर्म की भी व्यवस्था किया। ऐसे हमारे महाराष्ट्र में आप जाके देखिए, कलकत्ता में जाके देख लीजिए, तो हम ये जितने हमारे बेरोजगार थे, वंचित लोगों के, मैंने आज तक से काम करते आ रहा हूँ और करूँगा भी। हमारी यूनियन का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य से चली है, उस उद्देश्य को अगर हम आप जानिएगा तो मैं एक छोटा से शब्द में कर रहा हूँ। आज हमारे बिहार में, रोहतास जिला में नहीं, पूरा जिला में जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जो वंचित है, सरकार 2014 में ही बोला था कि हम आपको जो अति पिछड़ा पिछड़ा दलित को बोला था कि हम 3-3 डिसमिल नहीं, 5 डिसमिल जमीन देंगे और वहां पर इंदिरा निवास का पक्का मकान बना देंगे। आज हमारे बिहार में, हमारे रोहतास में, हमारे जिला में, हमारे गांव में, हमारे देहात में उन गरीबों को झोपड़ा आज भी नहीं है, और है तो सरकार के जमीन में है। अगर सरकार उसको अलॉटमेंट करें और उसके परवाना रसीद दें, अगर नहीं देती है तो हमारी जो जनता है, जो हमारे मानव है, ये दम बर्बाद होने का कगार पर है। उसको लिए हमारी यूनियन मन धन तन से भी तैयारी में पूरा है कि ताकि आने वाले भविष्य में उनका बाल बच्चा वहाँ पर पढ़े और लिखे। और सबसे पहले मैं उन माता बहनों के, हमारी यूनियन ने रोहतास जिला में कैंप लगाया जिसमें हजारों महिलाओं को मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया और उनको चश्मा भी दिया, और देने के साथ साथ में उस मानव को मैं यूनियन पूरा तहे दिल से शुक्रिया का अदा करेगी। और उसके लिए हमारी यूनियन पूरा ताकत के साथ में कमर कस ली है। और दूसरा बात है कि मैंने हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम इकबाल के जन्मदिन पर
2 फरवरी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर उन्होंने प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक उन्होंने छात्र और छात्राओं के लिए बढ़िया किताब और कॉपी और पुस्तिका भी दिए और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी दिए। ऐसे मीडिया में भी इतने बार उन्होंने वितरण करते हुए उन्होंने दिखाए थे, जो प्रिंट मीडिया भी देखी है और इलेक्ट्रिक मीडिया भी देखी है। और इसके साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ में जो वंदे हैं, जो विकलांग है, जो दिव्यंग है, उनके लिए भी हम जिला में धरना प्रदर्शन करके उनकी मांगी जोड़ा सरकार के साथ में रखा। आज भी उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। आज हमारे सीनियर सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन के बहुत से ऐसे गांव है तो उनके पेंशन नहीं मिल रहा है, और दे भी रहा सरकार तो 4 महीना में 5 महीना में पेंशन दे रहा है। वो भी धांधली हमारे बिहार में हो रहा है, उसका भी आवाज़ हमारी यूनियन बहुत आगे उठाने को कोशिश में है और उठाएगी। और दूसरा बात है, आपको छोटा सा शब्द में कहना चाहता हूँ कि हमको कहना नहीं चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए कि एक मैं मानव हूँ और मानव के अंग में कोई एक वस्त्र पहना जाता है, और उस वस्त्र के नाते नाम लेना चाहता हूँ कि हम महापुरुषों के, जितने हमारे महापुरुष हैं उनके समय समय पर जयंती और महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे रूप में उसमें बड़े बड़े अधिकारी को हमने बुला के वो प्रोग्राम भी दिखाया है। अब हमारी यूनियन पूरा रोहतास में नहीं, पूरा भारत में पहला नंबर में लाने का मैं प्रयत्न करूँगा और करते रहूँगा, और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये यूनियन जो है, यूनियन एक एक रुपया चंदा लेके आगे बढ़ाने का काम कर रही है और करते रहेगी। मैं एक छोटा सा मैं अपना एक और उदाहरण देता हूँ, जो अंधे हैं, जो बिल्कुल हैं, उनको पढ़ने के लिए 16 साल 14 साल कर रही, उन छात्राएं को और छात्रों को, जो दिव्यंग है, जो अंधे हैं, उनके लिए रोहतास जिला में आज तक से स्कूल नहीं है, वो भी स्कूल खोलने के लिए हमने प्लानिंग रख दिया है, और स्कूल का बाउंड्री भी हो गया है, और पढ़ने का भी अगर कोई अंधा अगर बच्चा हो रोहतास जिला में तो हमें बताएं और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। उनके लिए भी हम स्कूल का व्यवस्था कर दिए हैं और वहाँ पर रहने के लिए भी व्यवस्था कर दिए हैं। और दूसरा बात है कि हम सोच रहे हैं, हमारी यूनियन सोच रही है कि इसके लिए अहम भूमिका जो जमीनी से इसके लिए नाम रखा हूँ, जूता चमकाने वाले को कब चमकेगा तपी। तो यूनियन का एक उद्देश्य है कि नीचे से लेके टोपी तक मानव को काम करने के लिए यूनियन कमर कस चुकी है, और आगे भी हम करने के लिए तैयार हैं। आने वाले विधानसभा जो है, चिनारी जो विधानसभा है, और यहाँ की जनता भी बता देगी, अगर यूनियन के सहयोग रहा तो आने वाला भविष्य में मैं छोटा सा एक परिचय देता हूँ। मेरा नाम पड़ता है राम इकबाल राम, और घर पड़ता है विश्रामपुर, जो कि शिवसागर प्रखंड में चिनारी विधानसभा में मेरा घर है। और यहाँ के जनता को, यहाँ के प्रखंड के लोगों को मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, और गांव-गांव पंचायत स्तर पर मैंने देखा स्वच्छता, आज भी सरकार ने 1 करोड़ रुपया स्वच्छता में खर्चा कर चुका है। मेरा यूनियन ने कम से कम 200 स्टेशनों को स्वच्छता अभियान से जागृत कराया। माननीय प्रधानमंत्री का जो योजना है, उस योजना का मैं जनता तक पहुँचा हूँ, मगर आज भी हमारे गांव में देख रहा हूँ पंचायत स्तरीय पर न सर है न सफाई है, आज भी लोग उससे भी बेहतरीन गंदे में जीवन बिता रहे हैं, न पीने का पानी है, न रहने का घर है। इस पर सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। मैं